दोस्तों, आज हम लोग अपने घर में ही फिश टैंक सेटअप करना सीखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने घर में ही फिश टैंक सेटअप किया है, जो देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस फिश टैंक को घर में कैसे सेट करते हैं, चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह है मेरा फिश टैंक। इसकी जो लंबाई है वो 1.5 फीट की है, इसका हाइट है 1 फीट और इसकी चौड़ाई भी है 1 फीट। यहाँ देखिए, फिश टैंक के पीछे साइड में मैंने वॉलपेपर लगाया है जो बिल्कुल नेचुरल लगता है। यहाँ पर एक मैट है जो बिल्कुल नेचुरल घास की तरह दिखता है। मैंने इस मैट को इस फिश टैंक के बराबर में काट के रख लिया है। अब चलिए फिश टैंक के अंदर इस मैट को हम बिछा देते हैं अच्छी प्रकार से। देखिए, इस प्रकार से बिछा देना है। उसके बाद मेरे पास कुछ कलरफुल स्टोन है, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं ताकि मछली को ऐसा लगे कि बिल्कुल समुद्र में है। और यहाँ देखिए, कुछ छोटे छोटे पौधे हैं जो पानी में रहने वाले हैं, इसको भी हमें इस टैंक में इस प्रकार से रख देना है। और इसके साइड साइड में स्टोन को थोड़ा सा रख देना है ताकि ये इधर उधर गिरे नहीं। वैसे तो अभी ये लटका रहेगा, लेकिन जैसे हम इसमें पानी डालेंगे तो ये अपने आप खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से जो भी पौधे हैं उसको हम अच्छी प्रकार से फिट कर देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर एक टॉयज है जिसमें कि दिखाया गया है कि एक मछुआरा एक टोकरी की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस टॉयज को भी हम इस टैंक के बीच में रख देते हैं। और बाकी जो भी स्टोन मेरे पास बचा है वो सभी स्टोन को मैं इसी में डाल देता हूँ। और ख़ास करके जो मैंने छोटा छोटा पौधा लगाया है उन पौधों के आजू बाजू स्टोन को रख दूँगा ताकि वो पौधा वहाँ से उखड़े नहीं। वैसे भी ये पौधा अभी देखिए लेटा है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें पानी डालूँगा ये पौधा ऊपर की तरह उठ जाएगा। और यहाँ देखिए, पानी को साफ करने के लिए वाटर फिल्टर है, ये बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम वाटर फिल्टर को इस फिश टैंक में नहीं लगाएंगे तो पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, जिससे मछलियाँ मर सकती हैं। इस वाटर फिल्टर को कैसे लगाते हैं आप ध्यान से देख लीजिए। इस वाटर फिल्टर को हमें पानी के अंदर रखना है, बिल्कुल पानी के अंदर होना चाहिए। अगर पानी के ऊपर आ जाएगा तो इसका जो मोटर है हो सकता है कि जल जाए। देखिए, इस प्रकार से लगा देंगे और इसमें रबर के कुछ सॉकर लगे हैं जो कि इस ग्लास में चिपक जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, और ये जो पाइप है ये बाहर रहेगा और इसका जो वायर है, पानी डालने के बाद इस वायर को हम प्लग में लगा देंगे। ये है इसके ऊपर का ढक्कन, ये ढक्कन में एक छोटा सा होल है, यहाँ से हम मछलियों का खाना डालेंगे। इस ढक्कन में हमें एक लाइट लगाना है। ये लाइट जो है इसी फिश टैंक के लिए ही बनाया गया है, ये लाइट पानी में भी जल सकता है। इस लाइट को हमें यहाँ पे लगाना है, अगर ये लाइट पानी में गिर भी जाता है तो इस लाइट का कुछ नहीं होगा, ये अच्छे प्रकार से जलता रहेगा क्योंकि ये लाइट बिल्कुल वाटरप्रूफ है। इसमें भी देखिए सॉकर लगे हैं जो कि इस प्रकार से हम फिट कर देंगे और इसी ढक्कन में चिपक जाएंगे। यहाँ पर हम इसको चिपका देते हैं। हमारे फिश टैंक का सेटअप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस फिश टैंक को पानी से भर देंगे। लेकिन इस फिश टैंक में पानी डालने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालना है, इसके बीच में आप एक कटोरी रख दीजिए और उस कटोरी में डालिए ताकि ये जो स्टोन है ये इधर उधर छटके नहीं। और हमें इस फिश टैंक को ऊपर से 2 इंच छोड़ के पूरा फिश टैंक पानी से भर देना है। यहाँ पर मेरे हाथ में पानी को साफ करने के लिए कुछ दवाई है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ ताकि पानी बिल्कुल साफ हो जाए। अब वाटर फिल्टर को हम ऑन कर देते हैं। देखिए, वाटर फिल्टर को हमने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें नेट की मदद से मछलियों को डाल देंगे। सभी मछलियों को डालने के बाद हम ऊपर से ढक्का लगा देंगे और ढक्का लगाकर इस ढक्कन में जो लाइट लगा है इसके तार को हम प्लग में लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, कितना शानदार दिखाई दे रहा है। देखिए, रूम में भी बहुत ज़्यादा लाइट जल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा उजाला दिखाई दे रहा है। मैं रूम के लाइट को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर शानदार फिश टैंक घर पे ही सेट होके तैयार हो गया है, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने घर पर ही फिश टैंक को लगा सकते हैं।
इस फिश टैंक में जितना भी आइटम है उस सभी आइटम को मिलाकर, यहाँ तक कि मछली लाइट, इसमें जो भी सजावट है वो सब मिलाकर मुझे 1600 रुपये का पड़ा है। इस फिश टैंक की लंबाई है 1.5 फीट, चौड़ाई 1 फीट, ऊंचाई 1 फीट। तो आप जब भी मार्केट में फिश टैंक खरीदने जाते हैं तो आपको एक अंदाज़ा मिल गया कि आपको क्या क्या आइटम मिलेगा और ये फिश टैंक आपको कितने का पड़ेगा। और दुकानदार ने इस फिश टैंक के साथ ही 8 मछली मुझे दिया है और 1 महीने का मछली का चारा दिया है और इस पानी में डालने के लिए 3 दवाई दिया है और लाइट वगैरह सब मिला करके ये फिश टैंक मुझे 1600 रुपये का पड़ा है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने घर में फिश टैंक का सेटअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।